मेरा जून में एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर बाइक से गिर गया था नोएडा में, और मेरा एल्बो डिसलोकेट हो गया था और फ्रैक्चर्स थे और रिस्ट में भी फ्रैक्चर था. तो आई मेट सेवरल डॉक्टर्स इन नोएडा और बाहर भी, बट एवरी वन सजेस्टेड सर्जरी. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अदर डॉक्टर्स, आई नीडेड अनदर ओपिनियन. तो इंटरनेट पे मेरे को डॉक्टर सुमित का क्लिनिक का पता चला मेरे को. सो आई केम आफ्टर अबाउट 3 weeks ऑफ माई इंजरी. आई केम टू मीट हिम, आई वॉन्टेड अनदर कंसल्टेशन. तो इन्हें भी इनिशियली लगा था कि सर्जरी करना पड़े, बट आफ्टर टेस्ट्स, MRIs, एवरीथिंग, ही कंक्लूडेड दैट फिजियोथेरेपी से बेटर हो जाएगा. सो ही सजेस्टेड एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी. और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा 3 महीने फिजियोथेरेपी चला. सो इनिशियली मेरा हाथ का मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, इतना, आई थिंक दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन ऑफ माई आर्म. और ये और प्रोनेशन सुपिनेशन आई थिंक जिसको कहते हैं, कि इसे इस मोशन में करना मुश्किल होता था बिल्कुल भी. बट आफ्टर एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी आई कुड ग्रेजुअली इंक्रीज द रेंज ऑफ माई आर्म. पहले कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हाथ हिल पाता था. फिर उसके बाद ग्रेजुअली आई वॉज एबल टू रीच दिस शोल्डर, और मेरा हाथ जितना स्ट्रेट हो सकता था, आई थिंक इट इज़ देयर राइट नाउ. मेरे मोशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, स्ट्रेंथ में अभी भी रिकवरी हो रही है, बट इट टर्न आउट वेरी फाइन. आई हैड थॉट कि सर्जरी होगी, बट आई डिड नॉट नीड इट, और फिजियोथेरेपी और डॉक्टर सुमित के कंसल्टेशन से बेटर होता है.